तालिबान से तो असली दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के हाईकमान की है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक इज्जत का सवाल बन चुका है। अंदर खुशी दुबे के साथ जो घटना घट रही है वो क्या किस चीज का परिणाम है? छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा कर रहे थे, चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस जहां पे होगी वहां पे विकास संभव ही नहीं है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां विकास नहीं हो सकता। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के आज रैली में कहा है। मैं यहाँ पे मौजूद लखनऊ की जनता से पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो दावा सच है या खुद प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में कितना विकास हो रहा है लोगों से हम जान गए। नमस्कार साहब, जो प्रधानमंत्री ने दावा किया वो दावा कहाँ तक सच है? प्रधानमंत्री जी ने जो दावा किया है इसकी सच्चाई किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि अगर विकास कांग्रेस ने न किया होता तो वो बेचते क्या। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो जितनी चीजें बेचे हैं वो सब आप देख लीजिए, उनकी लिस्ट उठा लीजिए, जितने रेलवे स्टेशन, जितने एयरपोर्ट, जितनी भी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बेची है वो किसका विकास था ये प्रधानमंत्री जी बताएं। रहा सवाल, आपने एक बात हमसे पूछी कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान गए, उन्होंने कहा कि तालिबान का जो उन्होंने कहा कि राजस्थान में तालिबान की बात कही, तालिबान से तो असली दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के हाईकमान की है। मुद्रा पोर्ट में अभी जो उतरा और आज तक उसके वो मादक पदार्थ अफगानिस्तान से लेके आए हीरोइन जो उतरी है वो मुद्रा पोर्ट में, तो असली दोस्ती तो इनकी तालिबान से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। कहां आप तालिबान, अगर तालिबान अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर नहीं आएगा मादक पदार्थ तो ये देश के अंदर जो अफीम पिलाई जा रही, जो हीरोइन पिलाई जा रही है वो कहां से पिलाएंगे और पिला के कहां से वो अंधभक्त बनाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है। रहा सवाल तालिबान का, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर खुशी दुबे के साथ जो घटना घट रही है वो क्या किस चीज का परिणाम है। सुल्तानपुर में जो घटना घटी वो किसका किस चीज का परिणाम है? और जो आपके हाथरस में हुआ वो कौन सा तालिबान है जो यहाँ किसानों के ऊपर इनके यहाँ जवाब चढ़ा दिया जा रहा है, वो किस चीज का परिणाम? मैं दोबारा आता हूँ, जवाब लेता हूँ। इजाजत दे दीजिए, एक मिनट रुके। जवाब, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कहा कि जहाँ कांग्रेस है वहाँ विकास संभव नहीं है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का क्या विकास हुआ वो आप बताएं। आप सुनिए, पहले एक बात शुरू से सुन लीजिए। राहुल गांधी 20 साल से राजनीति में है। आप प्रधानमंत्री जी का बताइए, आप प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस विकास नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री का दावा है तो सुन तो लो एक मिनट। राहुल गांधी जी 20 साल से राजनीति में है जी, है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कब निकाली? अभी निकाली। ये भारत जोड़ो यात्रा का टॉपिक अलग है, जवाब आप टॉपिक अलग है, जवाब है उसी पे, जवाब सुन जी जी जल्दी बताइए, उसी पे जवाब है, सुन लीजिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, अभी निकाली जी, वो गरीब से मिले बहुत अच्छी बात है, वो रेलवे गए कोली से मिले, वो ट्रक ड्राइवरों से मिले, इससे पहले वो कहाँ थे? क्या पहले इससे पहले गरीबी नहीं थी? तब वो हम प्रधान उन्हों आज भारत जोड़ने की क्या नौबत आ गई? उनको मालूम था कि जो उनकी दादी जो आज भारत तोड़ के गई उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं वो, उनको मालूम था। या आप मुद्दे को, जो मुद्दा हम लेके चले आप उसे भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आरोप लगाया, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में आरोप लगाया कि कांग्रेस जहाँ पे होगी वहाँ विकास नहीं हो सकता, तो आप हमें बताइए कि जहाँ भाजपा है वहाँ का विकास का पैमाना अन्य राज्यों के मुकाबले में क्या है? कांग्रेस जहाँ रहेगी वहाँ हिंदू मुसलमान कर देगी। कहाँ पे हिंदू नहीं कर रहे? राजस्थान में क्या है? राजस्थान में तो योगी जी जाके ये बात रख रहे हैं, तो योगी जी जगा रहे मुसलमानों को। नहीं, आप भाजपा का विकास बताइए ना। मध्य प्रदेश में मुसलमानों को उन्होंने एक टिकट दिया, जो आरी मसूद को, उससे ज्यादा पिछड़ा काम भाजपा ने वोट दिया, टिकट दिया। कांग्रेस को ये कई टिकट दे रहे हैं? आप भाजपा के विकास की आप बात नहीं रख रहे। देखिए, विकास तभी होगा जब आप हिस्से लगाएंगे, हिस्सेदारी बनेंगे, जब आप उसके उसी संगठन का जब हिस्सा बनेंगे। जवाब ले लेता हूँ, शायद दूसरा कोई दे।
प्रधानमंत्री जो आरोप लगाया कि कांग्रेस विकास नहीं कर सकती जहां रहेगी, क्या कहना है? अरे तो प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ा विकास का ही गलबा है। क्या कह गए हैं बताइए? रेल बेचैन, बस बेचैन, ट्रेन बेचैन, हवाई जहाज बेचैन, प्राइवेट किए बेचे कहां? अरे वो प्राइवेट, सरकारी अधिकारी काम नहीं करेंगे भैया, विकास है ना ये, विकास है ना, प्राइवेट का मतलब समझे ला क्या होला, प्राइवेट का मतलब समझे ला, प्राइवेट का मतलब समझे ला क्या होला, प्राइवेट का मतलब हम और आप है। अच्छा, सरकार नहीं है उसका कुछ। जैसे आप खेतवा बेच दिए हमें, तो का तो कर मालिक रहबे का, तो यह विकास की है प्रधानमंत्री जी? तो बीजेपी और कांग्रेस के तुलना में जो प्रधानमंत्री ने बात रखी वो विकास हुआ? भारत देश को खरीद ले किसकी? अरे भारत देश तो नहीं बिक रहा है, भारत की संपत्ति बिक रही है, भारत की संपत्ति बिक रही है, भारत नहीं बिक, भारत की संपत्ति बिक रही है। भैया भैया भैया, हर महीने चाइना जाते हैं राहुल गांधी। अच्छा बताइए, भारत की संपत्ति बिक रही है तो आप क्या करेंगे? ये कहेंगे हम विकास कर लिए? अगर ये भाग्य मनाइए कि 2024 में नरेंद्र मोदी पूरी भाजपा हारने जा रही है।